हेलो एवरीवन, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केस नंबर टू स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि प्योर इंडक्टिव लोड लूंगा, रेजिस्टेंस भी जीरो और बैटरी वोल्टेज तो जीरो ले रहा हूँ, पैसिव लोड है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ इस जगह पर देखिएगा, तो एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के साथ धीरे धीरे डिस्कशन करना थोड़ा सा आसान होते जाता है और आगे हम इसे बढ़ते भी जाते हैं। प्योर इंडक्टिव लोड ले लिए, वी एल ले लिए, इसका वोल्टेज वी नॉट, एवरेज आउट आपके पास आउट वोल्टेज की वैल्यू इज द वी नॉट, स्मॉल वी नॉट, स्मॉल आई नॉट, ये डायोड वोल्टेज जैसे हम लिखते हैं हमेशा वी डी, और एक सिंगल सर्किट चाहिए इसलिए सोर्स करंट ही, ये सोर्स करंट ही, डायोड करंट, डायोड करंट ही, लोड करंट, ऑल करंट आर सेम। ठीक है, ये तो हमारा फिगर हो गया, प्योर इंडक्टिव लोड है हमारे पास, ये भी हमको दिख गया कि चलो प्योर इंडक्टिव लोड। अब प्योर इंडक्टिव लोड अगर मैं बोल रहा हूँ तो अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं कि क्या क्या होने वाला है, वर्किंग यहाँ पे जाते कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल बोल रहा हूँ तो ओमेगा टी की वैल्यू जीरो से लेके पाई तक है। अब डायोड कप्पी वाला है जो वोल्टेज से कनेक्टेड है सोर्स वोल्टेज से, इसलिए मतलब डायोड ऑन हो गया, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल तो डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया, ऑन मतलब फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस मतलब आइडियल डायोड है वैसे भी, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। जब शॉर्ट सर्किट डायोड को आप कर ही दिए तो ऑल करेंट्स आर सेम, ये एल है तो वी नॉट की वैल्यू वी एस है, इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज है, इंडक्टर का वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, ये वी एस, और डायोड ऑन हो गया तो जीरो वोल्ट है। अलग बात है कि डायोड करंट और सोर्स करंट और लोड करंट ऑल आर द सेम, बट ये वी नॉट आपके पास हो गया। तो इस फिगर में अगर मैं बोलूँ कि क्या दिख रहा है तो स्मॉल वी नॉट की वैल्यू वी एस के बराबर है, डायोड ऑन है तो ये सब दिख रहा है आपको। अब अगर आउटपुट की वैल्यू वी एस के बराबर है, दैट मीन द वी एम साइन ओमेगा टी है, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द वी एम साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को आउटपुट करंट निकालना है तो आउटपुट करंट तो इंडक्टर करंट है, इंडक्टर करंट तो वी नो दैट वन अपॉन एल इंटीग्रेशन जीरो से टी इन वी एल डी टी, ये इंडक्टर करंट, बट मेरे को पता है कि इंडक्टर करंट ही आउटपुट करंट है, लोड करंट है तो वन अपॉन एल जीरो से टी हो गया, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो इंडक्टर वोल्टेज है, इंडक्टर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, दैट मीन द वी एम साइन ओमेगा टी को आप इंटीग्रेट करने वाले हो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंडक्टर करंट निकालने वाले हो, आउटपुट लोड करंट निकालने वाले हो, तो ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो रिजल्ट कितना हो गया, वी एम अपॉन ओमेगा एल, इंटीग्रेट किए तो ओमेगा नीचे आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और रिजल्ट पुट कर लिया टी से जीरो, और ये आपके पास है लोड करंट या इंडक्टर करंट। तो आई नॉट की वैल्यू कितना होगा, लोड करंट की वैल्यू कितना होगा, वी एम अपॉन ओमेगा एल, जब आप पुट किए माइनस तो माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया, और जब जीरो पुट किए तो वन हो गया, तो वन माइनस कॉस ओमेगा टी, तो वी एम अपॉन ओमेगा एल वन माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आई नॉट की वैल्यू इज आई नॉट, लोड करंट या इंडक्टर करंट भी आप बोल सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं इस इंडक्टर करंट को डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो इंडक्टर वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, एल डी आई बाई डी टी चलो एल है, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, वी एम अपन ओमेगा एल का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया, माइनस वी एम अपन ओमेगा एल था ही, डिफ्रेंशिएट किया कॉस ओमेगा टी को, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया ओमेगा बाहर और इंटू माइनस साइन ओमेगा टी, जब हम सॉल्व किए तो ओमेगा कैंसिल आउट, एल कैंसिल आउट, आंसर विल बी वी एम साइन ओमेगा टी, तो वही रिजल्ट आ जाएगा। जब आप एक इंडक्टर वोल्टेज को इंटीग्रेट करके इंडक्टर करंट निकाले हो, अब इंडक्टर करंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंडक्टर वोल्टेज आ जाएगा, आ गया आउटपुट वोल्टेज वही आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे पास जो रिजल्ट है ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वी एम अपन ओमेगा एल वन माइनस कॉस ओमेगा टी, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं नॉर्मली, इतने बेसिक पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं बोला, ठीक है ओके। अब बोल रहा हूँ इतने बेसिक पे क्वेश्चन का फ्रेम हो जाते हैं, वी एम अपन ओमेगा एल वन माइनस कॉस ओमेगा टी और आई एल की वैल्यू, इतने बेसिक पे क्वेश्चन का फ्रेम हो जाते तो क्यों ना मैं ओमेगा टी की वैल्यू लूँ और बात कर ही लूँ कि कितना आपके पास लोड करंट की वैल्यू आ रहा है। अगर ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है तब बात कर लेता हूँ, ओमेगा टी की वैल्यू 90 है दैट मीन द पाई बाय 2 है तब बात कर लेता हूँ, 180 है तब बात कर लेता हूँ, 3 पाई बाय 2 270 डिग्री है तब बात कर लेता हूँ, और अगर मैं 360 डिग्री की बात करूँ दैट मीन द 2 पाई, इसकी भी बात कर लेता हूँ ये। तो अगर मैं आई नॉट की बात अगर करना चालू करता हूँ, ये आई नॉट की बात, लोड करंट की बात करना चालू करता हूँ, तो ओमेगा टी इक्वल टू जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो आ गया तो 90, कॉस 90 जीरो होता तो वी एम बाई ओमेगा एल आ गया, इज द वी एम बाई ओमेगा एल एम्पियर, ठीक है वी एम बाई ओमेगा एल एम्पियर करंट आ गया। अगर मैं 180 पुट कर रहा हूँ तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आ गया, देख सकते हो यहाँ पे, तो 2 वी एम अपॉन ओमेगा एल, 2 वी एम अपॉन ओमेगा एल ये एम्पियर। फिर 3 बाई बाई 2 270 के लिए जीरो हो गया तो वी एम अपॉन ओमेगा एल आ गया, वी एम अपॉन ओमेगा एल, और कॉस 361 होता है तो कॉस 360 की वैल्यू 1 तो जीरो आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि आउटपुट करंट का फिगर कैसे बना है, अगर मैं आउटपुट करंट का फिगर बनाने जाऊँ
ये ओमेगा टी की वैल्यू, ये ओमेगा टी की वैल्यू बोला दिस वन, ये यहां पे जो वैल्यू है वो पाई, ये जीरो, ये टू पाई, ये आई नॉट लोड करेंट या इंडक्टर करेंट, इसकी पीक वैल्यू कितना है, टू वी एम अपॉन ओमेगा एल, द टू वी एम अपॉन ओमेगा एल, ओके ये दिस वन, इतना। तो अगर मैं बोलूँ कि देखो इस जगह पे हो क्या रहा है, इस जगह पे इंडक्टर करेंट इंक्रीजिंग फंक्शन है, कब तक, अब टू पाई तक, ये पाई तक आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन इस जगह पे, उसके बाद पाई के बाद ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान देखना पाई के बाद डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, ओके नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि इस जगह पे अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पे इंडक्टर करेंट या लोड करेंट की मैक्सिमम वैल्यू है, इंडक्टर करेंट या लोड करेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितना, टू वी एम वन ओमेगा एल, तो कोई अगर मैं कभी पूछे ना कि मैक्सिमम एनर्जी कितना होता है इंडक्टर में, मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी होगा पाई, पाई पे वन बाई टू एल और इंडक्टर करेंट की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर, ये तो इंडक्टर करेंट की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर होगा हाफ एल, एल बाई टू, और मैक्सिमम वैल्यू वो है टू वी एम अपॉन ओमेगा एल का स्क्वायर, तो फोर वी एम स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये हो गया फोर और टू, तो टू वी एम स्क्वायर, ये टू वी एम स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल, इतना जूल, ये मैक्सिमम एनर्जी है, टू वी एम स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर जूल, हाफ एल आई स्क्वायर होता है, आई की वैल्यू टू वी एम अपॉन ओमेगा एल, दिख भी रहा था आपको, करंट की वैल्यू इतना ही है, टू वी एम अपॉन ओमेगा एल, यस, तो एनर्जी की वैल्यू हो गई, इतना मैक्सिमम एनर्जी होगा उस पॉइंट पे जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई होगा। अब आपके पास अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं कि इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, जब इंडक्टर चार्ज होता है, ट्रांजिएंट आगे थोड़ा सा, कि इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर करेंट इंक्रीजेस विद द टाइम, जब आप बोलते हो ना कि इंडक्टर चार्ज हो रहा है आपके पास, तो इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर करेंट इंक्रीजेस विद द टाइम, तो यहाँ पे चार्जिंग ऑफ इंडक्टर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडक्टर चार्ज हो रहा है, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, चार्जिंग ऑफ एल, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। सेकंड पॉइंट हुआ, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर करेंट डिक्रीजेस विद द टाइम, तो यहाँ पे आपके पास ये डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर इज द डिस्चार्जिंग ऑफ एल, ये चार्जिंग ऑफ एल है, डिस्चार्जिंग ऑफ एल है, ये आप कह सकते हैं इंडक्टर करेंट या आउटपुट करेंट का वेव फॉर्म बना। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर करेंट इंक्रीजेस विद द टाइम, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर करेंट डिक्रीजेस विद द टाइम, ये दो पॉइंट्स हो गए, ये दो पॉइंट्स हुए। अब ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लिए हम लोग, तो मैक्सिमम एनर्जी की बात भी कर ली, करंट भी फाइंड आउट कर ली। अब हो क्या रहा था कि जब हम बोले कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हुआ, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड ऑन हुआ, डायोड ऑन है, और इंडक्टर में आपके पास जो इंडक्टर वोल्टेज था वो आउट वोल्टेज था, दैट मीन द वी एम साइन ओमेगा टी, और इंडक्टर करंट हम फाइंड आउट करना चालू किया। अब क्या हुआ कि जीरो से लेके पाई तक तो समझ आता है कि जीरो से लेके पाई तक इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर रहा था, तो अगर मैं बोलूँ कि जीरो से पाई तक ना एनर्जी ऐसे आपके पास ही हो रहा था, ये जो पावर का फ्लो आपके पास सोर्स टू लोड, ये सोर्स टू लोड था, दिस वन, ये दिस वन। अब वो क्या रहा आपके पास कि ओमेगा टी की वैल्यू जीरो से लेके पाई है, पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुआ, तो जब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि ओमेगा टी की वैल्यू पाई से लेके टू पाई तक की बात करते हैं, पाई से लेके टू पाई तक की बात करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तब क्या होगा, इंडक्टर करंट तो पाई पे मैक्सिमा तक रीच कर लिया था इंडक्टर करंट, उसका डिक्रीज होना चालू हुआ, तो इंडक्टर करंट तो एनर्जी स्टोर कर लिया, कहाँ से, ये सोर्स वोल्टेज से, इसके पास आ गई मैक्सिमम एनर्जी। अब आपके पास क्या होगा, इसको तो अब इसको रिलीज भी करना है। अब होता क्या है कि जैसे ही आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल को जैसे ही क्रॉस करते, बिकॉज इंडक्टर वोल्टेज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज है, तो जैसे ही मैं बोलता हूँ कि ओमेगा टी की वैल्यू पाई प्लस होगा, ओमेगा टी की वैल्यू पाई प्लस है, तो इंडक्टर वोल्टेज ही तो इनपुट वोल्टेज था, तो इंडक्टर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करने की कोशिश करेगा, और इंडक्टर वोल्टेज जैसे नेगेटिव होगा तो ये जो डायोड है, डायोड आपके पास ऑन रहेगा, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कि आप बोल सकते हो कि देखो इंडक्टर करंट की जो वैल्यू है जीरो ही नहीं होगी, तो ओमेगा टी की वैल्यू पाई प्लस पे क्या आई नॉट की वैल्यू जीरो होगी, नहीं, आई नॉट की वैल्यू जीरो एम्पियर हो गई नहीं, क्यों आई नॉट की वैल्यू जीरो एम्पियर नहीं होगी, आई नॉट तो मैक्सिमम था, किस पे, पाई पे, हम तो बोले मैक्सिमम वैल्यू टू वी एम अपॉन ओमेगा एम्पियर, इतना करंट है हमारे पास, तो करंट अगर मैक्सिमम है तो अब वो डिक्रीज होकर जीरो होते जाएगा जब एनर्जी रिलीज कर देगा। तो जब मैं बोलूंगा कि पाई प्लस पे क्या होगा, तो इंडक्टर की करंट जीरो नहीं हो सकती क्योंकि मैक्सिमम करंट पे था, इसका मतलब इंडक्टर में करंट फ्लो होना, एक डायोड, जो डायोड होता है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, तो डायोड में से करंट अगर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब डायोड ऑन होगा, तो डायोड के ऑन की कंडीशन होती है कि अगर डायोड करंट जीरो एम्पियर नहीं है, इसका मतलब डायोड ऑन है,
और डायोड करंट 0 एम्पियर इसलिए नहीं है क्योंकि सोर्स करंट, डायोड करंट और लोड करंट ऑल आर सेम, और इसका मतलब करंट फ्लो होते रहेगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप ये भी बोलते हो कि जब इंडक्टर करंट डिक्रीज होता है, जब पाई से 2 पाई होता है, तो इंडक्टर वोल्टेज जो होगा वो नेगेटिव होगा, और इंडक्टर वोल्टेज जब नेगेटिव होगा तो आपके पास ये जो इंडक्टर वोल्टेज है, जैसे आपके पास अगर मैं लिखूँ तो देखो नेगेटिव माइनस टू प्लस, ऐसा बोल सकते हो आप किसी को बताने के लिए कि जब भी इंडक्टर आपके पास जब भी एनर्जी रिलीज करता है तो इंडक्टर वोल्टेज नेगेटिव होता है, और इंडक्टर वोल्टेज का नेगेटिव होना मतलब ये माइनस टू प्लस होना, और इसके कारण ये डायोड ऑन होता है, सिर्फ बताने के लिए कि देखो इंडक्टर वोल्टेज जो इंड्यूस करेगा वोल्टेज यहाँ पे वो माइनस टू प्लस होगा, क्योंकि रिलीज करेगा इंडक्टर करंट डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इंडक्टर वोल्टेज विल बी नेगेटिव, इसके कारण डायोड ऑन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 2 पाई तक, क्योंकि इंडक्टर करंट 0 कब होने वाला है, वैसे भी किसी डिवाइस में किसी डायोड में करंट फ्लो हो रहा है, जब तक उस डायोड का करंट 0 ना हो डायोड कभी ऑफ हो ही नहीं सकता। एक बार आप डायोड किसी जगह पे लगा लिए और डायोड में से करंट फ्लो हो रहा था, अब अगर आप बोलोगे कि डायोड ऑफ होगा तभी होगा जब उसमें से करंट 0 फ्लो होगा, क्योंकि डायोड का करंट जैसे 0 होगा तो आप बोल दोगे कि ठीक है नो प्रॉब्लम, अब तो डायोड करंट 0 हो गया, इसका मतलब है कि डायोड ऑफ हो गया। तो डायोड ऑफ हो नहीं रहा था क्योंकि पाइप पे मैक्सिमम करंट अटेंड कर रहा था डायोड करंट, डायोड करंट लोड करंट सोर्स करंट सब एक ही करंट है, इंडक्टर करंट ऑल करंट्स आर सेम, तो डायोड करंट 0 था नहीं, वो तो मैक्सिमम करंट था, इसका मतलब है कि अभी डायोड करंट 0 जब तक होगा नहीं डायोड आपका ऑन रहेगा। तो डायोड करंट 0 कब होगा, इसका मतलब है कि ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई पे, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई पे डायोड करंट की जो वैल्यू होगा सोर्स करंट की वैल्यू उसके बराबर, सोर्स करंट डायोड करंट और लोड करंट की वैल्यू के बराबर, तो ये 0 एम्पियर होगा, और इस जगह पे डायोड आप बोल सकते हो कि ऑफ होगा, इतनी जगह पे डायोड ऑफ होगा ऐसा बोल सकते हो, लेकिन फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और फिर से डायोड ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि डायोड को ऑफ होने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर जब आप बात करोगे कि पाई से लेकर 2 पाई तक, और 2 पाई पे जब आप बात करना चालू करोगे तो फिर से न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और डायोड फिर से स्टार्ट करना चालू करेगा कंडक्शन, ऐसा करके फिगर बनते जाएगा। तो हमको क्लियर क्या रहना चाहिए, जब हम बोलते हैं ना कि ओमेगा टी की वैल्यू कितना है, 0 से लेकर कहाँ तक ओमेगा टी की वैल्यू है, ऐसा अगर हम बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि आई नॉट की वैल्यू, लोड करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, फिर अगर हम बोल रहे हैं कि आपके पास डी आई नॉट बाई डी टी डेरीवेटिव ऑफ करेंट ये होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंडक्टर वोल्टेज कितना होता है एल डी आई नॉट बाई डी टी, या आउटपुट वोल्टेज भी यही, आउटपुट वोल्टेज भी यही, ये भी हम जानते हैं ओके। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओम्स लॉ की ये पावर की बात अगर कर दूँ तो पावर इक्वल टू होगा लोड का वी नॉट इंटू आई नॉट ओके, और अगर मैं बोल दूँ कि सोर्स और लोड की बात करूँ, सोर्स और लोड कौन सोर्स होगा और कौन लोड होगा, तो वो क्या रहा पता है, ओमेगा टी की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा था तो इंडक्टर करंट इंक्रीजिंग फंक्शन था, किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव होगा। अब इंडक्टर करंट भी पॉजिटिव, इंडक्टर वोल्टेज भी पॉजिटिव, तो जो पावर था पॉजिटिव था, और जब पावर पॉजिटिव था आपके पास, इसका मतलब है कि इस समय में जब पावर यहाँ से पॉजिटिव था लोड के अक्रॉस में, तो एब्जॉर्ब कर रहा था, इसका मतलब है कि इंडक्टर का जो बिहेवियर था लोड के समान बिहेव कर रहा था, सोर्स से जो पावर आ रहा था ये एब्जॉर्ब कर रहा था। बट पाई से टू पाई में क्या हुआ, पाई से ऐसे समझते हैं आपके पास, जब आप एक इंडक्टर को, जब आप पावर ट्रांसफर करना चालू करते हो तो इंडक्टर का वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक गुड फीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है बोला, तो पाई से टू पाई में क्या होगा, इंडक्टर करंट डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों इंडक्टर करंट डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि अब वो एनर्जी को रिलीज करने वाला, तो इंडक्टर करंट डिक्रीजिंग होगा, किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, और अगर एल डी आई नॉट बाई डी टी करोगे तो इंडक्टर वोल्टेज नेगेटिव होगा। पावर की बात करो तो वी नॉट और आई नॉट का प्रोडक्ट, वी नॉट जो है वो नेगेटिव है और आई नॉट की वैल्यू ये इंक्रीजिंग है तो भी पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग है तो भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं कि डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव होता है, इंडक्टर करंट कभी नेगेटिव है ही नहीं, डायरेक्शन कभी चेंज ही नहीं होगा ना, एक डायोड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, ये इंक्रीजिंग है तो भी पॉजिटिव, डिक्रीजिंग है तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव करंट नहीं है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये, इसका मतलब ये नहीं कि डिक्रीजिंग को नेगेटिव बोल दोगे इंक्रीजिंग को पॉजिटिव बोल दोगे, नहीं, इंडक्टर करंट लोड करंट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, डायोड है ना, नेगेटिव करंट कैसे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट है पॉजिटिव होगा, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, बट जब इंक्रीजिंग रहता तो इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव होता है, जब डिक्रीजिंग रहता तो इंडक्टर करंट नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, और जैसे नेगेटिव हो गया आपके पास तो मैं बोलूंगा कि डिलीवर करना चालू करेगा, नेगेटिव एब्जॉर्ब मतलब डिलीवर करना, तो ये डिलीवर करना चालू करेगा, अगर लोड डिलीवर करेगा तो फिर जो लोड है वो बन जाएगा एल, जो बन जाएगा वो बन जाएगा सोर्स, जो एल बन जाएगा सोर्स बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास 0 से लेकर पाई तक की बात थी, डायोड जब ऑन था स्टार्टिंग में तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा था इससे, और पावर का फ्लो सोर्स टू लोड था। जब आपके पास पाई से टू पाई की बात की, जब इंडक्टर करंट की वैल्यू डिक्रीज होने वाली थी, तो जब इंडक्टर करंट डिक्रीज होगा तो इसका वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव करंट डायोड ऑन रहेगा, डायोड ऑन रहेगा लेकिन करंट ऐसे ही फ्लो होगा, ऐसा नहीं कि करंट ऐसा फ्लो हो जाएगा, करंट एन टू फ्लो हो नहीं सकता,
करंट इज ऑलवेज पी टू एन, तो करंट ऐसे भी होते रहेगा लेकिन वोल्टेज के लिए नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आपके पास जो डिलीवर करेगा और ये एब्जॉर्ब करेगा, और ये एब्जॉर्ब इसलिए करेगा क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कोई मेरे से बोले कि थोड़ा नेटवर्क का कंसेप्ट अगर आप जानते हो, पावर क्या हो रहा है, करंट देखो, करंट अब करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट अगर लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल अगर है, इसका मतलब इसको बोलते हैं डिलीवर पावर, और डिलीवर पावर की वैल्यू होता है वी एस इंटू आई एस। अब होगा क्या, ये डिलीवर, यहाँ पे करंट क्या है, आई नॉट जो है वो करंट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब है कि पावर एब्जॉर्ब करेगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा ये, और पावर एब्जॉर्ब की वैल्यू कितना होगा, वी नॉट इंटू आई नॉट। ठीक है चलो, ओके नो प्रॉब्लम। तो हम बोल रहे हैं कि देखो सोर्स हमारा डिलीवर कर रहा है क्योंकि करंट जो है वो लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है, और हमारा जो लोड है वो एब्जॉर्ब कर रहा है करंट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल है। बट स्टोरी क्या है, जब जीरो से लेके पाई तक की स्टोरी होती है, जब जीरो से लेके पाई तक की अगर आप बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो सोर्स वोल्टेज की वैल्यू तो पॉजिटिव होता है क्योंकि वी एस की वैल्यू तो जीरो से लेके पाई तक पॉजिटिव और पाई से लेके टू पाई तक नेगेटिव, तो वी एस की वैल्यू पॉजिटिव है और सोर्स करंट की वैल्यू तो आपके पास पॉजिटिव होगा, डायोड करंट है, डायोड करंट इक्वल टू सोर्स करंट, डायोड ऑन भी है, इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे जीरो से पाई तक में वी एस भी पॉजिटिव है और आई एस भी पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर दिए तो पावर डिलीवर्ड पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये सही में डिलीवर कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूँ जीरो से लेके पाई तक की, जीरो से लेके पाई तक की पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी पॉजिटिव लाइक इनपुट वोल्टेज, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर ये पॉजिटिव है, वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, लोड करंट तो सोर्स करंट के बराबर है वो भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव एब्जॉर्ब पावर हो गया। देख सकते हो जैसे डिलीवर में पॉजिटिव आया था, अब ये एब्जॉर्ब में पॉजिटिव आ गया, एब्जॉर्ब में पॉजिटिव, जो हम बोल रहे थे कि ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जीरो से लेके पाई में डिलीवर कर रहा है और जो एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना हम यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं उतना ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ कि पाई से टू पाई में क्या हुआ, तो पाई से टू पाई में को पता डायोड अभी भी ऑन रह जाएगा, डायोड ऑन रखने के लिए आप दो रीजन दे सकते हो, किसी को बोल सकते हो कि डायोड ऑफ तब होगा जब इसमें से करंट जीरो फ्लो होगा, लेकिन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ तब तक करंट मैक्सिमम था, अब उसको कम होते होते जीरो होने में टाइम लगेगा, तो डायोड ऑन रहेगा, पहला रीजन। सेकंड रीजन ये बोल सकते हो कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड जब अपॉन था, इंडक्टर करंट इंक्रीजिंग फंक्शन था, इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव था, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुआ पाई से टू पाई, तो जो करंट है वो डिक्रीजिंग हुआ था, इसलिए इंडक्टर वोल्टेज नेगेटिव हो गया, इंडक्टर वोल्टेज नेगेटिव होने के कारण डायोड फिर से ऑन रह गया, तो डायोड हमेशा ऑन रहेगा। अब क्या होगा, ये तो पाई से जीरो से पाई की स्टोरी थी, पाई से टू पाई की स्टोरी कितना होगा, पाई से टू पाई की स्टोरी कितना होगा, देखो वी एस के लिए नेगेटिव होता है तो वी एस के लिए नेगेटिव हो गया। अब आई एस की बात करूँ तो आई एस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, सोर्स करंट कैसे नेगेटिव हो जाएगा, क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डायोड में करंट तो पी टू एन फ्लो होता है, तो डायरेक्शन तो सेम है, तो माइनस और प्लस है, इसका मतलब है कि पावर जो डिलीवर्ड होगा वो वी एस की वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव इंटू आई एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव दैट मीन्स नेगेटिव। जब आप नेगेटिव डिलीवर्ड पावर बोलते हो ना, नेगेटिव डिलीवर्ड पावर, तो नेगेटिव डिलीवर्ड पावर का क्या मतलब होता है, नेगेटिव डिलीवर्ड पावर का मतलब होता है पॉजिटिव एब्जॉर्ब पावर, पॉजिटिव एब्जॉर्ब पावर। तो ये पावर का कंसेप्ट यूज कर लिया, मैं नेटवर्क पढ़ा दिया, ये बेसिक सा, इसका मतलब ये कि पाई से टू पाई में एब्जॉर्ब करेगा, जो एब्जॉर्ब करे इसका मतलब इसको डिलीवर करना चाहिए, यस। तो अब वी नॉट इंटू आई नॉट होगा, और आपको पता है कि वी नॉट की वैल्यू भी वी एस के बराबर है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आप बात करोगे तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव था, तो वी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी नेगेटिव हाफ साइकिल में, और आई नॉट की वैल्यू तो इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव एब्जॉर्ब पावर होगा, और नेगेटिव एब्जॉर्ब पावर को क्या बोलोगे आप, डिलीवर्ड पावर, नेगेटिव एब्जॉर्ब पावर इज रिफर्ड एज डिलीवर्ड पावर। इसका मतलब है पावर का फ्लो कैसे होगा, पावर का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा, ये लोड जो जो एल लगा ना इंडक्टर, ये सोर्स के समान बिहेव करेगा और सोर्स वोल्टेज लोड के समान बिहेव करेगा, इसलिए अब परफेक्ट है। तो जीरो से पाई में सोर्स टू लोड जा रहा है आपके पास लेफ्ट से राइट, और पाई से टू पाई में राइट से लेफ्ट आ रहा है, पावर का फ्लो बाई डायरेक्शनल है, सोर्स टू लोड और लोड टू सोर्स, डायोड हमेशा का हमेशा जो रहेगा वो ऑन रहेगा, हमेशा डायोड ऑन रहेगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि डायोड को हम ऑन कैसे कर पाए, क्योंकि करंट जीरो होगा नहीं, जब तक करंट जीरो नहीं होगा डायोड ऑन, डायोड ऑफ नहीं हो सकता, या दूसरा तरीका कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा डिस्चार्जिंग के केस में, इंडक्टर वोल्टेज विल बी नेगेटिव और उसके कारण डायोड ऑन होगा। ये आपके पास एक टेबल बना एक प्योर इंडक्टर के लिए, प्योर इंडक्टिव लोड के केस में, तो हमको ये पता चल गया कि अच्छा जो डायोड वोल्टेज होगा आपके पास, वो जो आपके पास डायोड वोल्टेज बोल रहा हूँ, जो इंडक्टर वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू आउट वोल्टेज के बराबर होगी, और वो परफेक्ट एक साइनोसोडल सिग्नल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं, जब हम प्योर इंडक्टर की बात करते हैं, तो इंडक्टर वोल्टेज दैट मीन द आउटपुट वोल्टेज, तो इंडक्टर वोल्टेज जो होता है आपके पास एक परफेक्ट साइनोसोडल सिग्नल होता है, क्योंकि डायोड हमेशा ऑन रहेगा। तो अगर किसी को कोई बोले ना कि इंडक्टर वोल्टेज का फिगर कैसे होगा एक प्योर इंडक्टिव लोड के केस में अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक परफेक्ट साइनोसोडल सिग्नल बना लो, ये वीएल इक्वल टू वी एस इक्वल टू वी नॉट, एक ही बात है वी एम। अब अगर इंडक्टर वोल्टेज की वैल्यू अगर परफेक्ट साइनोसोडल सिग्नल है, तो ये हमारे बहुत काम की चीज़ है, क्या
एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टिव वोल्टेज, दैट मीन द एरिया अपन टाइम पीरियड, एरिया अपन टाइम पीरियड, पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया, जो ऑलवेज जीरो। इसलिए जब भी आप इंडक्टिव वोल्टेज की बात करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टिव वोल्टेज की बात करेंगे इस पूरे के पूरे पावर टाइम्स में, आप हमेशा एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टर जीरो लोगे, क्योंकि इंडक्टर में ये आपके पास वो रीजन है जिसमें इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा था, ये वो रीजन है जिसमें इंडक्टर एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ये वो रीजन है जिसमें इंडक्टर करंट इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये वो रीजन है जिसमें इंडक्टर करंट डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक में एनर्जी स्टोर करने वाला पार्ट है, एक में एनर्जी रिलीज करने वाला पार्ट है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टर वोल्टेज ऑलवेज जीरो। तो फिर आउटपुट का एवरेज वैल्यू भी जीरो होगा। अगर मैं बोलूं कि कैपिटल वी नॉट कितना होगा, तो कैपिटल वी नॉट भी जीरो होगा, कैपिटल एवरेज आउटपुट वोल्टेज हो गया जीरो हो गया, यहां से हम देख सकते हैं। तो हमको गुड आइडिया रहना चाहिए, ऐसे करके फिगर बनते जाएगा आपके पास। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो हो गया आपके पास जीरो हो गया। अब मेरे को पता है कि ये जीरो से आपके पास, ये जीरो से लेके टू पाई तक आपके पास ऐसा बनते जाएगा, ऐसा करके हम चलाते जाएंगे। अब वी नॉट की वैल्यू अगर आपके पास जीरो आ गया तो डीसी पावर कितना होगा, तो अगर मैं डीसी पावर की बात करूँ तो डीसी पावर की वैल्यू जीरो, और एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी 0%, तो कुछ एफिशिएंसी होगा ही नहीं क्योंकि डीसी पावर की वैल्यू जीरो। इसलिए हम ये एक एफिशिएंट सिस्टम नहीं होता। जब मैं कन्वर्जन की बात करता हूँ तो कन्वर्जन कुछ हुआ नहीं, जितना इनपुट का एसी सिग्नल था उतना ही आउटपुट में एसी सिग्नल आ गया। इसलिए एक प्योर इंडक्टर को हम ऐसे कन्वर्टर बोलते ही नहीं, क्योंकि कन्वर्ट कुछ कर ही नहीं रहा, एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन जब फ्रेम करते हैं तब तो क्वेश्चन फ्रेम होता है, इस पे प्योर इंडक्टर पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। इसलिए भी फ्रेम होता है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होने का आपके पास वो इनपुट के बराबर होगा, और आउटपुट करंट का जो वेव फॉर्म होगा जिसका पीक वैल्यू 2Vm/ωL इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर मैं आउटपुट करंट में अगर बात करूं कि आउटपुट जो करंट है उसका जो टाइम पीरियड है, आउटपुट करंट के टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, तो आउटपुट करंट का जो टाइम पीरियड है आपके पास है 2π। देखो टाइम पीरियड आपके पास 2π है, 2π टाइम पीरियड है। तो हमको गुड फॉर्म में पता होना चाहिए कि कैसे हम डील कर पाएंगे। तो अगर इसका एवरेज वैल्यू जीरो, आपके पास रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जीरो है, आउटपुट डीसी पावर जीरो है, तो फिर हम इसको एफिशिएंसी के लिए यूज ही नहीं करते, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे? पढ़ इसलिए पढ़ रहे क्योंकि जब ये आर के साथ कंबाइन होगा तब ये कैसे बिहेव करेगा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम आर के साथ इसको यूज करेंगे तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही काम आएगा, इसका जो कंसेप्ट है बहुत ही काम आएगा। अभी तो ठीक है कि हम बहुत ही बेसिक एक प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में बात कर लिए। तो प्योर इंडक्टिव लोड में अगर आपसे कोई एवरेज आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है तो नहीं पूछेगा कोई भी एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज कोई नहीं पूछेगा क्योंकि जीरो होगा। एफिशिएंसी कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि वो भी जीरो है। अगर मैं वी नॉट की बात अगर करूं आपके पास, कि वी नॉट की वैल्यू अगर मैं बात कर रहा हूं कि वी नॉट की वैल्यू कितना है, तो वी नॉट की वैल्यू जो है इसके एवरेज आउटपुट वोल्टेज अगर मैं बोल दूं कैपिटल वी नॉट की वैल्यू, तो कैपिटल वी नॉट की वैल्यू जीरो वोल्ट है। और अगर मैं बोल दूं कि वी ओ आर कितना है, आरएमएस वैल्यू कितना है आपके पास, तो आरएमएस वैल्यू की साइनसोइडल सिग्नल्स के बराबर होगा, इधर Vm/√2। अगर मैं आई नॉट की बात कर रहा हूं कि लोड करंट की वैल्यू कितना है, तो लोड करंट की वैल्यू है Vm/ωL, और ये है 1 cos ωt। तो अगर मैं बोलूं कि देखो ये जो लोड करंट है इसमें दो पार्ट्स, एक डीसी पार्ट है Vm/ωL, एक डीसी पार्ट है, और एक एसी पार्ट है Vm/ωL cos ωt। ये तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आई नॉट की आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ लोड करंट की बात अगर मैं करता हूं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रूट ये लोड करंट की बात करता हूं, तो कितना होगा? एक तो डीसी का स्क्वायर होगा, डीसी का स्क्वायर मतलब डीसी का स्क्वायर, और एसी अगर ये वैल्यू है, पीक वैल्यू, तो AC/√2 का स्क्वायर होगा, ये AC/√2 का स्क्वायर होगा, डीसी का स्क्वायर प्लस AC/√2 का स्क्वायर होगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ कि बताओ इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, वो भी प्योर इंडक्टर के केस में आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो डीसी का स्क्वायर मतलब Vm/ωL का स्क्वायर, ये डीसी का स्क्वायर हो गया, ये डीसी का स्क्वायर हो गया, और एसी की बात अगर करूँ तो Vm/ωL/√2, तो Vm/ωL/√2 AC/√2 या RMS वैल्यू एक AC के पार्ट का, तो Vm/ωL। तो जब भी DC और AC का कॉम्बिनेशन होता है ऐसे में RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास AC वाला पार्ट था कि Vm/ωL कितना होगा, तो Vm/√2 कर लिया हम लोग, तो Vm/ωL/√2 का स्क्वायर, ये वैल्यू जो है वो RMS वैल्यू है इसके DC और AC के कॉम्बिनेशन की। तो जब सिग्नल में DC और AC का कॉम्बिनेशन रहता तो ऐसे हम सॉल्व कर लेते, अगर DC अगर AC नहीं होता तो ये पहला वाला पार्ट का आंसर आ जाता Vm/ωL, तो जो DC है वही RMS हो जाता। अगर ये पहला वाला पार्ट नहीं होता, सिर्फ सेकंड पार्ट होता, तो Vm/ωL है √2, इसका स्क्वायर करते स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होता और Vm/ωL/√2 आ जाता, इसका पीक वैल्यू √2। तो हमको क्लियर है DC रहेगा तो RMS, AC रहेगा तो RMS, दोनों रहेंगे तो RMS, सब कुछ पता है। तो ये RMS वैल्यू आउटपुट का, ये आउटपुट का RMS वैल्यू इंपॉर्टेंट है। कोई कभी बात भी कर सकता है कि इसका RMS आउटपुट करंट की वैल्यू कितना होगा, तो फिर आपको फिर बताना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 Hz है तो ω 314 है, वो L प्रोवाइड करेंगे, इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनको जरूरत पड़ेगी, Vm की जरूरत पड़ेगी, ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, L की जरूरत पड़ेगी, सब वैल्यू वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो आउटपुट का RMS वैल्यू आपको पता है,
देख सकते हो, अगर मैं बोलूं कि आउटपुट का एवरेज वैल्यू कितना है, आउटपुट करंट का एवरेज वैल्यू कितना है, तो आउटपुट करंट का एवरेज वैल्यू वी एम अपॉन ओमेगा एल, आउटपुट का जो एवरेज वैल्यू आपके पास हो ये वी एम अपॉन ओमेगा एल है। तो हमको गुड फॉर्म में पता रहना चाहिए। तो अगर हम कभी सोचते हैं, अगर कभी हम सोचते हैं कि अगर हमको रिपल फैक्टर की वैल्यू कितना होगा, रिपल फैक्टर की वैल्यू हमको क्लियर रहना चाहिए कि करंट रिपल फैक्टर है ये, तो करंट रिपल फैक्टर की वैल्यू कितना होगा आपके पास। अगर मैं बोलूँ कि आर एम एस, तो आई आर एम एस अपॉन आई डी सी, आई डी सी, आई आर एम एस और आई डी सी का स्क्वायर माइनस वन, ये फॉर्म फैक्टर होता है। तो आई आर एम एस अपॉन आई डी सी है, तो आई आर एम एस की वैल्यू ये आपके पास, आई आर एम एस का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट के अंदर से चला जाएगा, और आई डी सी का स्क्वायर करूंगा आपके पास तो वी एम अपॉन ओमेगा एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो वी एम अपॉन ओमेगा एल का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ आपके पास, तो यहाँ से रिजल्ट भी आ सकता है आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई डी सी का स्क्वायर, आई डी सी की वैल्यू कितना होगा वी एम अपॉन ओमेगा एल, ये इसके एवरेज वैल्यू है, ये पूरा इसका आर एम एस वैल्यू है। अगर मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ तो अंडर रूट चला गया, तो वी एम अपॉन ओमेगा एल का स्क्वायर है डिवाइड बाई आई डी सी है, वी एम अपॉन ओमेगा एल का स्क्वायर है, तो वन प्लस वी एम अपॉन ओमेगा एल से डिवाइड करूंगा अगर, तो वी एम स्क्वायर अपन ओमेगा एल का स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो वन बाई रूट टू का स्क्वायर होगा, वन बाई रूट टू का स्क्वायर दैट मीन्स वन बाई टू होगा, तो चेक कर लेंगे माइनस वन हो जाएगा, इसका मतलब वन अपॉन रूट टू आ रहा है, और वन अपॉन रूट टू मतलब 0.707 आ रहा है। चेक करेंगे करंट रिपल फैक्टर की वैल्यू 0.707 आ रहा है करंट रिपल फैक्टर की वैल्यू। जस्ट मैं बात किया कि अगर बहुत कम लोग बात करते हैं ऐसी करंट रिपल फैक्टर, सब लोग वोल्टेज रिपल फैक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो हम करंट रिपल फैक्टर की बात कर सकते हैं। देखो करंट रिपल फैक्टर के बारे में बात कर दी, और यहाँ पे जब बात इसलिए वोल्टेज रिपल फैक्टर के बारे में इसलिए कोई बात नहीं करेगा क्योंकि इसका डीसी वैल्यू तो है ही नहीं, आउटपुट का जो है आपके पास जो आउटपुट जो वोल्टेज है उसमें पास डीसी है नहीं, प्योर एसी सिग्नल है। तो करंट रिपल फैक्टर की बात की जा सकती है, करंट रिपल फैक्टर एक बार चेक कर लेना, करंट रिपल फैक्टर में बोला आरएमएस अपॉन आईडीसी का स्क्वायर, तो आरएमएस का स्क्वायर और आईडीसी का स्क्वायर, आईडीसी मतलब वीएम बाय ओमेगा एल, इसका भी स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट गया फिर बाकी का जो टर्म बचा था उसमें आईडीसी के स्क्वायर का डिवाइड किए, तो वीएम स्क्वायर अपॉन ओमेगा एल के स्क्वायर का डिवाइड किए, जब डिवाइड किए तो वन हो गया, वहां पर डिवाइड किए तो वन बाय रूट टू बचा, वन बाय रूट टू का स्क्वायर मतलब वन बाय टू हो गया, तो चेक कर लेना बोला, फिर ये वन वन कैंसिल आउट हो गया तो वन बाई टू रूट टू, तो वन अपॉन रूट टू आ रहा है 0.707 करंट रिपल फैक्टर फॉर प्योर इंडक्टिव लोड। तो ऐसा करके बात होती है। अगर मैं फॉर्म फैक्टर की बात करता वो भी करंट के लिए कि करंट फॉर्म फैक्टर कितना होता, वैसे तो फॉर्म फैक्टर नॉर्मली वोल्टेज के लिए सब लोग प्रीफर करते हैं, बट फिर भी यहाँ पे करंट फॉर्म फैक्टर कितना होता, तो करंट फॉर्म फैक्टर आई आर एम एस अपन आई डी सी का स्क्वायर होता, वन प्लस वन बाई टू होता, तो ये फॉर्म फैक्टर था आपके पास ये, तो ये अंडर रूट होता आपके पास, ये स्क्वायर है ना, वन प्लस वन बाई टू तो ये कितना है थ्री बाई टू, तो रूट अंडर रूट थ्री बाई टू फॉर्म फैक्टर होता, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस वन होता है, तो अंडर रूट थ्री बाई टू होल अंडर रूट थ्री बाई टू फॉर्म फैक्टर होता है। तो ऐसी कोई भी बात की जा सकती है जिसका डिस्कशन आज तक कभी नहीं हुआ, कोई भी क्वेश्चन फ्रेम जो नहीं हुआ उसके बारे में बात की जा सकती है। तो अभी तक इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वो आउटपुट वोल्टेज के एक्सप्रेशन पे फ्रेम होते हैं, वी एम अपॉन ओमेगा एल वन माइनस कॉस ओमेगा टी। हमको ये भी क्लियर रहना चाहिए कि जब मैं आउटपुट करंट का फिगर बना रहा हूं तो उसका जो इनपुट का जो टाइम पीरियड आपके पास, अगर मैं बोलूं इनपुट का टाइम पीरियड जो हो हमारे पास जो साइनसोइडल सिग्नल उसका टाइम पीरियड जो है वो टू पाई है, आउटपुट में अगर मैं करंट की बात करूं तो आउटपुट का जो करंट है उसका भी टाइम पीरियड टू पाई है, जो आउटपुट का करंट जो है वो टाइम पीरियड टू पाई है, बट इसकी जो पीक वैल्यू है पाई पे, हाफ टाइम पीरियड पे आपके पास इसकी पीक वैल्यू, तो क्लियर रहना चाहिए कि पाई पे पीक वैल्यू है, टू पाई जो है उसका टाइम पीरियड है, ये फिर से बनते जाएगा ऐसा, फिर से चलते जाएगा। तो एक चार्जिंग ऑफ इंडक्टर है, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर है, तो पूरी चीज़ हम कवर किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका पीक वैल्यू किस ओमेगा टी की किस वैल्यू पे होगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए कि क्यों हम एक प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में बात करने की नीड नहीं होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आगे हमारे काम आएगा, प्रैक्टिकली तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि कोई कन्वर्जन एफिशिएंसी देगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर है, इसका मतलब इनपुट भी एसी आउटपुट भी एसी। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो इनपुट और आउटपुट बहुत सारा परफेक्ट एसी सिग्नल, तो फिर तो वहाँ कुछ डिस्कशन की बात ही नहीं, वहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, पूरा का पूरा एसी कंपोनेंट है, वहाँ तो डीसी नहीं आउटपुट के वोल्टेज में, क्योंकि डायोड इज ऑलवेज ऑन। तो कंसेप्ट यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सीखना है कि डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन होता है तो हम भी जानते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन कैसे हो गया जबकि आप इनपुट की नेगेटिव वैल्यू दे रहे थे, तो फिर आपके पास बहुत रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए कि डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, जब तक डायोड में करंट जीरो नहीं होगा डायोड ऑफ नहीं होगा। दूसरा तरीका ये बोल सकते हो कि जब इंडक्टर करंट डिक्रीज होना चालू होगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो इंडक्टर वोल्टेज जो होगा वो इंड्यूस वोल्टेज जो होगा वो नेगेटिव होगा, बिकॉज इंडक्टर वोल्टेज डेरिवेटिव ऑफ इंडक्टर करंट होता है, और किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो इंडक्टर वोल्टेज विल बी नेगेटिव, इंडक्टर वोल्टेज विल बी नेगेटिव, तो डायोड का जो कैथोड वाला पोर्शन है वो इंडक्टर वोल्टेज से कनेक्टेड है आपके पास, तो ये डोमिनेटिंग हो जाता है इंडक्टर वोल्टेज, और फिर डायोड को वो ऑन रखता है, तो थ्रू आउट द रीजन 0 से 2 पाई तक डायोड विल बी ऑन, और जब डायोड ऑन होगा तो फिर इंडक्टर वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होगी, बिकॉज ये आउटपुट वोल्टेज है तो इंडक्टर वोल्टेज की एवरेज वैल्यू जीरो होता है हमेशा, इसलिए इसको कन्वर्जन एफिशिएंसी के लिए आप परफेक्ट एक प्योर इंडक्टर यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत गुड है, धीरे धीरे
हम इन सबको यूज करेंगे, जब ये आर के साथ कंबाइन होगा तो बहुत ही गुड फॉर्म में आ जाएगा, कंसेप्चुअल हो जाएगा, धीरे धीरे डिस्कशन और बढ़ते जाएगा। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा मैं नेटवर्क यूज किया, क्या नेटवर्क यूज किया, मेरे को पता था कि करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये डिलीवर करेगा, करंट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब करेगा। जब आप बोलते हो एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव वैल्यू का आना मतलब एब्जॉर्ब ही होना, पॉजिटिव वैल्यू का आना मतलब डिलीवर ही होना, लेकिन जब डिलीवर में नेगेटिव वैल्यू आता है तो आप बोलते हैं ये एब्जॉर्ब करेगा, जब एब्जॉर्ब में नेगेटिव वैल्यू आता है तो आप बोलते हैं ये डिलीवर करेगा। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल सोर्स टू लोड पावर का फ्लो होता, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल लोड टू सोर्स पावर का फ्लो होता। पावर का फ्लो होने के लिए करंट दो चीज़ होती है, या तो करंट नेगेटिव हो जाए या तो वोल्टेज नेगेटिव जाए, तभी पावर चेंज होता है। तो करंट तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं होता, एक डायोड सर्किटरी में यूनिट डायरेक्शनल डिवाइस है, करंट इज ऑलवेज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, फ्रॉम पी टू एन होगा, इसका मतलब वोल्टेज ही नेगेटिव हो सकता है। अगर वोल्टेज भी नेगेटिव नहीं होता तो कभी ये जो सोर्स, ये जो लोड है, ये कभी सोर्स ही नहीं बन सकता। तो एक इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, इंडक्टर वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होती है, कंसेप्ट होता है। कैपेसिटर में अपोजिट होता है, कैपेसिटर में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज नहीं होती। तो दो कंसेप्ट बहुत काम के, धीरे धीरे इन सब पे हम बात करते रहेंगे। तो ठीक है, मैं कवर किया एक प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में, कुछ कंसेप्ट दिया, कुछ वैल्यूज की बात किया, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी किया जो हमारे काम आ सकता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात किया कि कोई करंट रिपल फैक्टर पूछे, कोई नहीं पूछा आज तक ऐसा, बट कोई करंट रिपल फैक्टर पूछता है, जो कि नॉर्मली लोग वोल्टेज रिपल फैक्टर के बारे में बात करना पसंद करते हैं, बट यहाँ पे वोल्टेज रिपल फैक्टर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, बिकॉज डीसी वैल्यू जीरो है। तो फिर डीसी वैल्यू अगर जीरो है तो फिर तो आप बोल दोगे कि इन्फाइनाइट है, ऐसी बोलने की नीड नहीं होती नॉर्मली। तो फिर करंट रिपल फैक्टर की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ, उसको चेक कर लेना एक बार, 1/√2 0.707, जस्ट मेरे को लगा कि बात करना चाहिए तो मैं बात कर दी, नहीं ठीक है। तो ये हमारा हुआ है एक प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में डिस्कशन कंप्लीट। अब मैं एक प्योर कैपेसिटर भी ले लेता हूं, जो नॉर्मली पावर टाइम्स में लोग नहीं लेते, लेकिन फिर भी मैं प्योर कैपेसिटर के बारे में थोड़ी सी बात कर देता हूं, उसके बाद फिर अपन आर और एल के साथ कंबाइन बात करेंगे और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये तो क्लियर हुआ होगा और आप इंजॉय भी किए होंगे इस पूरे डिस्कशन को। ऐसा करके ही हमको किसी टॉपिक को रेडी करना चाहिए, ठीक है, ओके।